हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्रेड पकौड़ा कैसे बनाएं। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड लिया है ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए। तो आप छोटा या बड़ा कोई भी साइज का ब्रेड ले सकते हैं। मेरे पास ये छोटा वाला ब्रेड था तो मैंने छोटा वाला ब्रेड लिया है। इसके लिए हमें पहले आलू का मसाला बनाना है, तो स्टफिंग के लिए मसाला बनाना है। और इसके लिए मैंने यहाँ पर चार आलू लिया है, इसे मैंने उबाल लिया है और उबाल कर छील लिया है। तो अब हम मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में एक बड़े चम्मच तेल लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन, और मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन और अदरक। इसे अच्छे से कूट लिया मैंने, इसे डाल दूंगी लहसुन। और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके साथ में मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, एक प्याज है बारीक कटे हुए। इसे भी हमें इसमें डाल देना है। तो प्याज जो है वो हमारा फ्राई हो चुका है और इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, बस इतना ही फ्राई करना है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच धनिया, एक पिंच के बराबर लाल मिर्च और एक पिंच के बराबर गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, तो इन सब मसालों को, और आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, इन सब मसालों को हमें इसमें डाल देना है। चला लेंगे अच्छे से। और इसके ऊपर जो आलू है उसे डाल देना है। आलू को मैंने थोड़ा मैश कर लिया है, तो आलू को हम डाल देंगे इसके ऊपर। और अच्छे से चलाना है, इसे मिला लेंगे। तो अब मैं इसमें आधा चम्मच के जितना नमक ऐड कर दूंगी। नमक आप स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। और इसे हमें मिला लेना है, 2 से 3 मिनट तक इसे हमें पकाना है। और आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चम्मच से भी इस प्रकार से मैश कर सकते हैं। आलू का मसाला जो है वो बनकर तैयार है। और आप इस मसाले से जो चाहे वो बना सकते हैं, चाहे तो आलू बुंदा, ब्रेड पकौड़ा या कटलेट भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दूँगी और इसे डालकर मैं मिला दूँगी। और मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दिया है, इसे मैं एक दूसरे प्लेट में निकाल लूँगी। मैंने यहाँ पर कढ़ाई पर तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। और जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच के करीब बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी है ये। और इसके साथ में मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ा सा अजवाइन, और नमक हमें लेना है स्वाद अनुसार। और इसके साथ में मैं इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल दूंगी। आपको अगर हींग पसंद नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो अब इसमें हमें पानी डालकर घोल तैयार करना है, तो ज़्यादा पतला ना होने पाए। और धीरे धीरे पानी डालेंगे और मिलाते जाएंगे। और इसके साथ ही हमें 5 से 6 बूंद नींबू का रस ऐड कर देना है। नींबू के रस से क्या होता है कि जो हमारा बेसन है, जब हम इसके पकौड़े तलेंगे, फ्राई करेंगे, तो वो जो है वो तेल नहीं सोखेगा। तो जो बेसन का घोल है उसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पतला ना करें। और ज़्यादा गाढ़ा भी रखेंगे तो वो चिपकेगा नहीं ब्रेड के ऊपर। तो इस टाइप की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है बेसन की। तो अब मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड लिया है और इस ब्रेड के ऊपर हमें मसाला को अच्छे से लगा लेना है, फैला लेना है। 1 चम्मच लिया है मैंने आलू का मसाला जो हमने बनाया था। तो मैंने ब्रेड के ऊपर आलू का मसाला लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर एक और ब्रेड रख दूँगी और इसे हमें चाकू से ऐसे कट कट करना है।
तो मैंने यहाँ पर ब्रेड को चाकू से कट कर लिया है और देख सकते हैं आप ये। अब इसे हमें बेसन के घोल में डुबाकर फ्राई करना है। तो अब हमें बेसन में जो ब्रेड के अंदर जो हमने मसाला भर के तैयार किया था उसे हमें बेसन के घोल में डुबाना है इस प्रकार से, और चारों साइड से अच्छे से घुमा घुमा के डुबा लें, चारों साइड अच्छे से बेसन की कोटिंग हो जाए, उसके बाद हमें इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है और मैं इसमें डाल दूंगी। तो अब हमें इसे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करनी है। देख सकते हैं आप, ये एक साइड से फ्राई हो चुका है और अच्छे से इसे ब्राउन होते तक फ्राई करना। तो अब ये दोनों जो है वो फ्राई हो चुका है, इतना ही हमें फ्राई करना है, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और इसे मैं निकाल लूँगी, इसे एक टिश्यू पेपर के ऊपर आप निकाल के रख लें तो जो एक्स्ट्रा तेल है वो सोख लेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप घर पर आसानी से इसे बना सकते हैं। और ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो आप भी एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे बनाना। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो पर। ओके, बाय फ्रेंड।